सो हाय गाइस, और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो आज की इस वीडियो पे हम सीखने वाले कैसे आप अपने वर्डप्रेस एडमिन यूआरएल को चेंज कर पाओगे। जी गाइस, आज की इस वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो तो आपको पता है वर्डप्रेस का जो एडमिन यूआरएल होता है वो सेम टू सेम होता है, तो उनको आप कैसे चेंज कर पाओगे आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो का आप एंड तक देखना, और क्यों आप इसको एडमिन यूआरएल को चेंज करना चाहोगे, तो सबसे पहले रीजन बता दो, वो है हैकर। तो अगर आपका साइट का जो लॉगिन यूआरएल है वो अगर सबके साइट पे सेम टू सेम रहेगा तो हैकर भी आपका जो वर्डप्रेस साइट है उनको हैक करने का ट्राई करेगा। तो उन केस पे आप क्या करोगे, अगर आप लॉगिन यूआरएल को चेंज कर दोगे तो उन केस पे आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो लॉगिन कभी नहीं हो पाएगा, देन आपका जो कस्टम यूआरएल है उससे लॉगिन होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कैसे आप जो यूआरएल को चेंज कर पाओगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके गाइस, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। तो अभी जो आपको यूआरएल देखने को मिलेगा वो डब्ल्यूपी एडमिन पे आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा साइट है वो डब्ल्यूपी एडमिन पे अंदर ओपन हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कैसे आप इसको चेंज कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाना है, उससे पहले मैं आपको जो मेरा साइट का एडमिन जो यूआरएल है वो दिखाना चाहता हूँ। सिंपली इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैं लॉग आउट कर चुका हूँ, फिर से पेज को रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। तो गाइस देख सकते हो डब्ल्यूपी login.php मेरा साइट जो अभी लॉगिन होने के लिए तैयार है। तो ये तो सब बंदा के पता है, क्योंकि जो भी वर्डप्रेस यूज़ करते हो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट जो लॉगिन यूआरएल होता है वो सब वेबसाइट पे सेम टू सेम होता है। तो इसको आप चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको आगे बताया क्यों चेंज करना है। तो चलिए इसको आप लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है अपने डैशबोर्ड वर्डप्रेस पे, देन आपका जो वो लॉगिन यूआरएल है वो आप चेंज कर सकते हो। तो विदाउट प्लगइन भी आप कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर से देखो, तो आपको विदाउट प्लगइन के थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको जो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको प्लगइन सेक्शन पे जाना है, देन आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च प्लगइन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको सर्च करना है हाइट लॉगिन, देन आपको एंटर प्रेस करना है। ओके, जैसे आप करोगे तो आपको फास्ट जो WPS हाइड लॉगिन करके प्लगइन देखने को मिलेगा, उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो देख सकते इसका जो मिलियन वन प्लस मिलियन जो एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसका मतलब जो प्लगइन है बहुत सारे जो साइट पे अभी तक एक्टिव। चलिए इसको आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ओके, देन आपको एक्टिव पे क्लिक करना है। ओके, तो सक्सेसफुली प्लगइन जो मेरा एक्टिव हो चुका है। तो चलिए इसको आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे पे जाना है, देन आपको WP साइट लॉगिन करके एक ऑप्शन जो प्लगइन देने को मिलेगा, तो यहाँ पर सेटिंग और डीएक्टिवेट आ रहा है, तो सिंपली आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देने को मिल जाएगा, साइट का नेम और जो भी आप चाहते हो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, क्योंकि फास्ट पे भी आपको ये देखने को मिलता है। अगर उस प्लगइन को इंस्टॉल करो और ना करो, जो वर्डप्रेस का बाय कॉन्फ़िगरेशन है मतलब जो बाय डिफॉल्ट है वो आपको यहाँ पर देने को मिलेगा, लेकिन उससे नीचे आप देखोगे WP हाइट लॉगिन करके एक न्यू ऑप्शन खोल के आ चुका है। तो इसके अंदर आपको जो लॉगिन यूआरएल है वो आप चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा जो आपका साइट है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बॉक्स करके आ रहा है, यहाँ पर लॉगिन आया, इसका मतलब मेरा जो साइट है अगर इस यूआरएल के साथ मैं लॉगिन सर्च करोगे तो मेरा जो WP एडमिन लॉगिन है वो जो ओपन हो जाएगा। तो आप चाहते इसको चेंज करें तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो, आपका फ्रेंड का या आपका कोई भी लकी नाम जो नंबर वगैरह सब कुछ दे सकते हो। तो चले मैं दे देता हूँ गो। ओके, तो यहाँ पर जैसे तो मैं गो कर चुका हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर टैप करना है। तो अगर कोई WP एडमिन सर्च करेगा तो उसको कहाँ पर रिडक्ट करोगे, तो उनके इस पर आप यहाँ पर अपना 40 पेज का भी दे सकते हो, अदरवाइज आपका जो होम है वो भी दे सकते हो। तो इसके लिए ब्लैंक कर दीजिए, देन आपको सेव चेंज पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर मेरा देख सकते हो यहाँ पर जो यूआरएल है लॉगिन यूआरएल है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। मेरा साइट /go करूँगा तो मेरा जो लॉगिन पेज है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। तो इसको आप कहीं पर भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आपको याद भी रखना है, देन आप बुकमार्क भी करना चाहते हो तो आप बुकमार्क भी कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते कैसे जो काम कर रहा है, तो सिंपली इसके अंदर टैप करता हूँ। ओके, देख सकते हो फिर से डैशबोर्ड पे आ चुका है। तो उनके इस पर आप क्या करोगे, तो सिंपल आपको लॉग आउट कर लेना, देन आपका देखना है यूआरएल सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो store.kekoi.com/ करके गो आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो साइट है वो सक्सेसफुली न्यू यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो चुका है। तो चलो फिर से मैं आपको WP एडमिन करके दिखाया तो क्या शो होता है, तो इसको हटाते हुए देन आपको WP
एडमिन। तो गाइस देख सकते हो मैंने मेरा साइट का नेम दे के रखा, देन लास्ट पे मैंने डब्ल्यू पी एडमिन भी दे के रखा। तो सिंपली मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ओके तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर देखते हो 404 का जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसका मतलब मुझे डायरेक्ट एडमिन आता है वो नहीं ओपन हो रहा है। तो इससे आपका हैकर से आपका पेज को आप मतलब साइट को आप बचा सकते हो। तो चलिए मैं आपको गो करके दिखाता हूँ मेरा साइट ओपन हो रहा है नहीं। तो मैं यहाँ पर जो 404 आ रहा है उसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर गो लिखता हूँ, फिर एंटर करता हूँ। ओके तो यहाँ देख सकते हो मेरा लॉगिन पेज खोल के आ चुका है। तो सिंपली इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर फिर से मेरा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है ओपन हो चुका है। सो आज की इस वीडियो इतनी तक, अगर कोई भी आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो के कमेंट पे कमेंट जरूर करना। सो ओके तो आई होप गाइस आपको वीडियो पे जो भी इन्फॉर्मेशन था बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो थोड़ा सा लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि मुझे वीडियो करने में मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो का और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।